झाड़ू और पोछा करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, झाड़ू कहाँ और कैसे रखें, ये सभी बातों की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आज हम आपको इस खबर में इन्हीं बातों की जानकारी देने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकावास 24 और मैं हूँ यति आपके साथ। झाड़ू से घर में प्रवेश करने वाली बुरी अथवा नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन झाड़ू पोछा करने से साफ और स्वच्छता भी रहता है। साथ ही इससे जुड़ी कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो महालक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त की जा सकती है। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू को भी महालक्ष्मी का ही एक स्वरूप माना गया है। झाड़ू से दरिद्रता रूपी गंदगी को बाहर किया जाता है। जिन घरों के कोने कोने में सफाई रहती है वहां का वातावरण सकारात्मक रहता है। घर में कोई वास्तु दोष भी नहीं होता है, सारे वास्तु दोष दूर रहते हैं। खुले स्थान पर झाड़ू रखना अपशगुन माना जाता है, इसलिए इसे छिपा कर रखना चाहिए। रात को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, इससे आपको हानि होती है। यदि आपने घर के बाहर हर रोज रात के समय दरवाजे के सामने झाड़ू रखते हैं तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। ये काम केवल रात के समय ही करना चाहिए, दिन में झाड़ू छिपा कर रखें। घर में झाड़ू और पोछा लगाना बहुत ही आम बात है, पर क्या आप जानते हैं झाड़ू और पोछा वास्तु दोष दूर करने में बहुत कारगर साबित होता है। यदि उसका सही ढंग से उपयोग किया जाए वास्तु दोष दूर हो जाता है। किसी भी प्रकार की गंदगी और धूल मिट्टी वास्तु दोष को बढ़ाती है। घर में झाड़ू लक्ष्मी जी का सूचक है क्योंकि ये दरिद्रता को घर से बाहर निकालता है। इससे घर में सुख समृद्धि व धन दौलत आती है। नए घर में प्रवेश करने के पूर्व नया झाड़ू घर में लाना शुभ होता है और पुराना झाड़ू ले जाना अशुभ माना जाता है। घर के ईशान कोने यानी उत्तर पूर्वी कोने में झाड़ू व कूड़ेदान नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और घर में बरकत नहीं होती है। सभी लोगों को घरों में साफ सफाई के साथ ही पानी और पोछा भी प्रतिदिन लगाया जाता है। पोछा लगाते समय पानी की बाल्टी में थोड़ा सा सादा नमक या फिर सेंधा नमक डालकर आप पोछा लगाएं। इस नमक मिले हुए पानी से ही पोछा लगाना चाहिए। ऐसा अगर आप प्रतिदिन करते हैं तो ये बहुत ही फलदायक होता है। घर में पूरे फर्श पर ऐसे ही पानी से पोछा लगाना चाहिए। वास्तु के अनुसार नमक मिले हुए पानी का पोछा लगाने से घर में फैली नकारात्मक ऊर्जा निष्क्रिय हो जाती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। घर परिवार के सदस्यों का इसका सुप्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही धन संबंधी कार्यों में भी रुकावटें जो होती हैं वे समाप्त हो जाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहें लोकावास 24। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube पर सब्सक्राइब जरूर करें और Facebook पेज को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।